मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के खुरेजी इलाके में, जहां CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी था। लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना है कि यहां पे पुलिस आई और उन्होंने कहा कि ये धरना खत्म कर दिया है। हम अब देखिए, यहाँ पे हमें धमका रहे हैं ये लोग। सुबह से हमें टाइम दे रहे हैं कि 4 बजे तक 5 बजे तक 6 बजे तक, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। देखेंगे हम ये क्या करेंगे। हम बिल्कुल शांति से, आप देख रहे हो, बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी से ना लड़ रहे ना बिल्कुल, लेकिन ये लोग हम जिस तरह हम लोगों को देख रहे हैं, मतलब तैयार हैं बिल्कुल डंडे लेके कि हम लोगों को मारेंगे, ये पीटेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लाठीचार्ज कर देंगे, फिर क्या करेंगे? मारेंगे, जान से मार देंगे, मार दे। यहाँ पे कब्रिस्तान है, आपको पता है, यहीं पे गाड़ दे हमें, हम पर यहीं रहेंगे, आपको पता है, यहीं रहेंगे हम। अब हम यहाँ से नहीं हटने वाले। शाहीन बाग में जो हो रहा है ना, वो यहाँ होगा। अब कुछ भी हो जाए, सुबह से शाम हो जाए या रात हो जाए, हम यहाँ से नहीं हटने वाले। अमित शाह को हम पैगाम देना चाहते हैं कि वो बिल वापस ले लें, देना चाहते हैं बिल्कुल, जो इन्होंने एक गंदा सा कानून लागू किया है, काला कानून, इसे वापस ले। पैगाम क्या दे? दिखता नहीं है, अंधा है, नहीं दिख नहीं रहा क्या हुआ है जामिया में हमारे स्टूडेंट्स के साथ, क्या माता पाई, मारा पीट हुई है, दिखाई नहीं देता। जो हम उसको बताएं, उसको मतलब उसे समझाएं, सब दिख रहा है उसको। हाँ। जो वो करना चाह रहा है हमें भी दिख रहा है, उसे भी दिख रहा है, बाकी वो जाने उसका काम जाने। हमेशा कहते हैं कि नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। सब बकवास है, कहने की बातें हैं। वो CAA के थ्रू अदर्स रिलीजन को तो नागरिकता दे देंगे, वो जो मुस्लिम कम्युनिटी को, उन्हें नागरिकता नहीं देंगे, उन्हें डाल देंगे डिटेंशन कैंप्स में। अब वो दुनिया का जहन्नुम, हम वहाँ जाके रहेंगे, खुद जाके वो खुद रह लेना। हमें भी तो नागरिकता दे, हमें भी तो CAA के थ्रू हमें कर रहे हैं कि वो नेशनली बनाए गए, लेकिन डिटेंशन सेंटर बन चुके हैं, और जहाँ ये हम लोगों को पहुँचाना चाह रहे हैं। हम यही पैदा हुए हैं ना, हम यही तो यही मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं नहीं जाना हमें। हम यही पैदा हुए, हमें वहाँ से कोई मतलब नहीं है, ना हमारी कोई रिश्तेदारी है वहाँ से, हमारी यही रिश्तेदारी है, हम यही पैदा हुए, हम यही मरेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2014 के बाद से NRC पे बात ही नहीं हुई। किसने कहा नहीं हुई है? उनके प्लानिंग बहुत पहले से चल रहे हैं। उन्होंने पहले नोटबंदी चलाई, ठीक है ना, कश्मीर में उन्होंने सिर्फ टाइम लिमिट के लिए लोगों का अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जो उन्होंने 370 हटाई है ना, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हटाई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। वो ये जो बोल रहे हैं ना कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ये बताइए, बाबरी मस्जिद का जो था, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे थे ना, फिर भी नहीं मिली वो हमें, हमारे नहीं आई, नहीं मिली ना हमें, तो हम कैसे यकीन कर ले? हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देंगे तो वो हमें नागरिकता दे देंगे, बताइए। जिनके घर पहाड़ों में डूब चुके, उनके पास कहाँ से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो बताएंगे? उनका तो अभी तक कुछ वो बताया नहीं सॉल्यूशन कि वो क्या करेंगे, और जिनके प्रूफ भी होंगे वो कहाँ से अपना वो लाएंगे, 1971 का प्रूफ, अगर उनमें कोई मिस्टेक होगी नेम में भी, वो जरा इसी बात पे आपका एच मिस्टेक है, मोहम्मद लिखते हैं जैसे हम, तो उसमें कोई लिखता है MD, कोई लिखता है MOHD। पता नहीं पुलिस क्यों हटा रही है हम लोगों को, बल्कि हम तो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सब प्यार मोहब्बत से बैठे हुए हैं, गाने गाकर सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई किसी ना कोई नारेबाजी हो रही है, ना कोई मारपीट हो रही है, ना हल्ला गुल्ला हो रहा है, ना रोड जाम हो रहा है, फिर भी पुलिस हटा रही है, पता नहीं। CAA से आप क्या समझती हैं? CAA से हम समझते हैं कि हमें नागरिकता नहीं देकर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हम भी, हर मुसलमान अपने मुल्क को उतना ही प्यार करता है जितना एक हिंदू या एक ईसाई या एक सरदार करता है, तो हमें भी हमारी नागरिकता देनी चाहिए। हम मर जाएंगे पर अपना मुल्क नहीं छोड़कर जाएंगे कहीं भी। क्या कहना चाहेंगे NRC को लेकर? आप NRC को लेकर यही कह रहे हैं कि जब हमारे बड़े बाप दादा यहाँ रहे और यहाँ पैदा हुए, इस मिट्टी में हमारे खून है, हम इस मिट्टी को छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये हमारा देश है, सबका देश है, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर रहे और एक होकर रहेंगे। आपको प्रोटेस्ट करने से जो रोका जा रहा है उस पर आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि क्या परेशानी हो रही है पुलिस को, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, परेशान नहीं कर रहे, रोड जाम नहीं कर रहे, कोई बुराई नहीं कर रहे किसी की, हम सब अपना संविधान बचा रहे हैं, संविधान बचाना हमारा काम है, देश के हम देशवासी हैं, हमें हक चाहिए अपना, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से हमारे, हमें कोई अमित शाह से दुश्मनी, ना मोदी से कोई हमारी दुश्मनी, सिर्फ हमें अपना अधिकार चाहिए। CAA के खिलाफ के एक पीसफुल सिटिंग है, और
ट्रैफिक मेन रोड पे भले ही हम बैठे हैं लेकिन हम अंदर बैठे हैं, मतलब कोई एक ये लैंड पड़ी हुई है खाली, इस पे ट्रैफिक आता जाता नहीं है, जो ट्रैफिक चल रहा है उसको कोई रुकावट नहीं हो रही, प्रशासन जो है हम पे ज़बरदस्ती कर रहा है। आप ये देखिए कि कैसे बुज़ुर्ग औरतें आई हुई हैं, बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, सब लोग पीसफुल तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन हमें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बीच आ गए, ये कर देंगे वो कर देंगे। पीसफुल सेटिंग में तो मुझे लगता है कि कानून हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है, और ये जो हमें डरा धमका कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। अगर कोई बात होती भी है तो सब लोग बैठे हैं, मशवरा हो रहा है, अभी शायद आपके आने से पहले आपके सामने की बात है कि बड़ी अच्छी दुआ हुई, और दुआ में सबने बहुत मतलब हाथ उठा के यही दुआ की कि ये जो कानून है इसमें भी मतलब जो हमारे हुक्मरान हैं उनको थोड़ी सी समझ दें, और ये जो जिस तरीके से धर्म के आधार पर कानून लाया गया है उससे हमें मतलब निजात मिले, कोई ऐसी बड़े अच्छे और एक एकता का यहाँ से एक मैसेज दिया गया कि सब लोग हमारे साथ हैं, मुस्लिम के साथ नॉन मुस्लिम भी हमारे साथ हैं, लोग जुड़े हुए। लेकिन पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रशासन क्यों इतना परेशान हो रहा है, क्योंकि एक पीसफुल सिटिंग है, कोई नारेबाजी नहीं हो रही, कोई बयानबाजी गलत नहीं हो रही, कोई ऐसा कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हो रहा, एक छोटी सी खाली लैंड पड़ी हुई है उस पर आके सब बैठे हैं, उस पर इतनी दिक्कतें कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आखिर दिक्कत क्यों कर रहे हैं ये, क्या वजह लगती है आपको? मुझे लगता है कि नहीं लग रहा है, सरकार पुलिस के पीछे खड़ी है, अगर देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से सरकार पुलिस के पीछे खड़ी है और सरकार के कान खड़े हो गए हैं, जो कल तक समझते नहीं थे आज वो समझाने पर वो सरकार आ गई है। अमित शाह आज लोगों को ये समझा रहे हैं कि कानून गलत नहीं है, लेकिन ये देखिए कल तक ये सुन भी नहीं रहे थे और इतना हट्टीपना था, तो इससे साबित होता है कि सरकार जो है वो डर रही है, सरकार को दिख रहा है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी इस मुहिम के साथ इस एनआरसी के खिलाफ एनआरसी को बायकॉट करने के लिए जुड़ गए, और इसीलिए मुझे लगता है सरकार पुलिस को आगे करके आम जन की आवाज़ को आम इंसान की आवाज़ को दबा रही है, और ये संविधान के खिलाफ है और इस कानून के खिलाफ हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी बातों को और इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा या धर्म के आधार पर सीए को ख़त्म नहीं करा जाएगा। ये आप पीछे कैमरा घुमाइए किस तरीके से पुलिस जो है वो धक्के मुक्की पे उतर आई है, पीसफुल प्रोटेस्ट है तो क्यों रोका जा रहा है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। हमने यहाँ कोई नारेबाजी नहीं की है, हमने यहाँ पर कोई गलत बात नहीं बोली है, हमने दुआ की है। आप यहाँ देख सकते हो कि शाहीन बाग में जो लोग हमारे साथ हैं हमसे ज़्यादा लोग वहाँ पे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो बुज़ुर्ग हैं ऐसे जो बैठा नहीं जा रहा उनसे, फिर भी वो बैठे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें आज़ादी है कि हम अपने ओपिनियन को रखें, अपने ओपिनियन को बोलें, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम डर जाएंगे। यहाँ पर पुलिस खड़ी है, पुलिस हमें डराएगी धमकाएगी कि हम यहाँ 2 घंटे से 3 घंटे से बैठे तो हम डर के भाग जाएंगे, जब हम गलत कर ही नहीं रहे तो हम भागेंगे क्यों, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं कोई भी गलत चीज़ नहीं बोली गई, कोई गलत नारा नहीं लगाया गया, तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। मैं ऐसे नहीं पुलिस को यही कि यहाँ से हम लोग हमें डराएंगी तो हम ऐसे भाग जाएंगे, क्योंकि ये जो पुलिस है ये पीछे से चल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लीड कर रही है, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। जिस तरह आप देख सकते हैं कब से ये धरना कर रहे हैं आप भाई, ये 12:30 बजे से शांतिपूर्वक अमन के साथ प्रोटेस्ट हो रहा है हम लोगों का, और हम किसी भी तरह का कोई रास्ते में कोई किसी को रोक रुकावट या हम लोगों की वजह से हम खुद पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो हमारी जनता से नहीं है, हमारी लड़ाई है इस गवर्नमेंट से, हमारी लड़ाई है एनआरसी सीए और एनआरपी के खिलाफ जो ये हम लोगों पर। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस हम लोगों को हटा रही है, जबकि हम लोग एक पीसफुल और सेफ जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर कोई ना जाने का रास्ता ना कोई आने का रास्ता, सारा रास्ता रोड बाहर से जाम चल रहा है, और हमारे कुछ साथी रोड ट्रैफिक हटाने के लिए पुलिस की सपोर्ट में खड़े हुए हैं, इतना सा भी यहाँ पर जाम नहीं लगने दे रहे। क्या कहना चाहेंगे सीए के बारे में? भाई मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी से आपके माध्यम से कि ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो ये लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी कोई भी हमें इसके खिलाफ करके बताए कि इसमें हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि
इस भेदभाव सरकार से कि मैं कहना चाहता हूँ जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हैं इसमें ये सबको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान ही सिर्फ इस देश में घुसपैठिया है? मेरे भाई नहीं, मेरा मुसलमान भाई इस देश में घुसपैठिया नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें यहाँ पर हैं, हमारे बुज़ुर्गों के खून लहू यहाँ पर बहाया गया। तो हम लोगों से आज ये सबूत मांग रहे हैं, जिस हम लोगों के वोट से ये सरकार बनी, हम लोग वोट देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन जब ये वोट मांगने आए तब इन लोगों ने हमसे वोट मांगा कि हम सब एक सरकार हैं, हम हिंदुस्तान को एक पूर्व राज्य बनाना चाहते हैं, हम नंबर वन देश पर लाना चाहते हैं, जीडीपी गिरी हुई थी उसको उठाना चाहते हैं, रुपए को डॉलर में बदलना चाहते हैं, बहुत सारे वादे किए, 15-15 लाख रुपए देना चाहते हैं। इन्होंने कोई भी अपना एक वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? जो कहा वो सब झूठ है। ये पब्लिक यहाँ पर जो इकट्ठा हुए सारे भाई बहन हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस हम लोगों के प्रोटेस्ट को हमें साथ कर रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है ये हम लोगों को अब हटाया जा रहा है। हम लोग अमन पसंद और शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम दिल्ली पुलिस और तमाम अपने अहलायालों को इस चीज़ की आवाज़ की देना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं और हम शांतिपूर्वक से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम खुद नहीं चाहते, हम उन पत्थरबाजों के खिलाफ हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, हम उन भड़काऊ भाषणों के खिलाफ हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, हम हर उस नागरिक के खिलाफ हैं चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हम लोगों में भेदभाव पैदा करके हम लोगों में नाइतफाकी पैदा करना चाहेगा। हमारे संविधान ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की कॉल थी कि इस देश में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जो ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार इस देश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है, इसमें इन्होंने पुरजोर मुखालिफत पुरजोर से इस चीज़ को बयां किया है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के खिलाफ लेकर आ रहे हैं। क्या ये हमसे खुलकर कह नहीं सकते कि जैसे हम सबको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को भी नागरिकता देंगे? हम मौजूद थे दिल्ली के खुरेजी में जहाँ पर ख्वातीन का धरना जारी है CAA NRC को लेकर। इनका कहना है कि हम जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता, ये कानून वापस नहीं हो जाता, तब तक नहीं हटेंगे। कैमरामैन ताबिश के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए मोहम्मद तस्लीम।